कोई दिक्कत यहाँ हो रही है आपको? ना है, कौन दिक्कत हो रही है। कितना किराया इसका है? 165। अच्छा, यानी 165 एक रूम है जिसका किराया 950 रुपये है। विश्रामालय निर्धारित शुल्क यहाँ पे है 24 घंटे यहाँ का 990 रुपये डबल पे हैं। आप यहाँ पर कंटिन्यू साफ सफाई वाला भी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर यात्री हैं। पर ही आपको अगर रूम चाहिए होगा तो रूम यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, डोरमेट्री रूम में मिल रही हैं सर। तो ठीक ठाक है सब, अभी तो हमको दर्शन के लिए आए हैं जी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव आप सभी को। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने वाराणसी शहर के कैंट स्टेशन पर, जिसे आप देख सकते हैं ये हमारा है कैंट स्टेशन, जहाँ पे कैंट स्टेशन पर ही आपको अगर रूम चाहिए होगा तो रूम यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, एकदम स्टेशन के अंदर ही रूम मिल जाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात है ना कि आपको लगेज लेकर के अभी थक के खुद ही आए होते हैं, और थकने के बावजूद हिम्मत नहीं होती कहीं और भी जाया जाए। तो अगर आप चाहते 2-3 दिन के लिए यहीं पर रुक जाया जाए, तो यहीं पर आपको स्टेशन के अंदर ही आपको कैसे विश्रामालय मिल सकते हैं, कैसे रूम मिल सकते हैं, आइए हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये हमारा कैंट का स्टेशन है वाराणसी का, और यहीं से आपको आना होगा और आपको हम आज होटल रूम दिखाने वाले हैं। कहते हैं कि होटल रूम यहाँ आपको कैसे और कहाँ मिलने वाले हैं। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहीं से आपको एंट्री लेनी होगी आपको अपने होटल्स रूम के लिए। आइए आपको डोरमेंट्री रूम दिखाते हैं, कितने कम से कम किराए में आप यहाँ पे बड़े आराम के साथ रह सकते हैं, 2 से 3 दिन आप यहाँ पे रह सकते हैं। देख सकते हैं ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहीं से आपको होकर के जाना है। आइए आपको हम रूम दिखाते हैं। यहाँ पर आप एक्सेलेटर की मदद से ऊपर आ जाइए, और ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, पूरे स्टेशन है, और किस तरह का यहाँ पर इंटीरियर किया गया है, क्या ही पेंटिंग से पूरे ही वाराणसी शहर को एकदम उतार दिया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। हर एक पेंटिंग में अपनी एक अलग ही कहानी है। इंटीरियर आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है, और यही थोड़ा सा आपको आगे आना होगा, बस यही आप सीढ़ियों से जैसे कि ऊपर आते हैं। तो ये जैसे आप एक्सीलेटर से ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे एक आहार भोजनालय है, जैसे कि आप देख सकते यहाँ पर बैठ करके बड़े आराम के साथ आप खा पी सकते हैं। तो बस यहीं से आपको टर्न लेना है, आइए मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये है जन आहार भोजनालय, और यहीं से आपको साइड होकर के जाना है। बस ये देखिए आप इंटीरियर, तो यार गौर फरमाइए कितना सुंदर यहाँ का इंटीरियर हुआ है, जो कि बहुत बहुत ही प्यार लग रहा है। ये देखिए हमारा स्मार्ट सिटी दुर्गा मंदिर सारनाथ, और ये तो हमारा वेटू का काशी विश्वनाथ मंदिर है। जैसा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, विश्रामालय निर्धारित शुल्क यहाँ पे है 24 घंटे यहाँ का 990 रुपये डबल बेड का है, जो एसी के साथ लेना है। आपको नॉन एसी चाहिए तो 660 का मिल जाएगा, डबल के साथ वही मिलेगा, नॉन एसी 550 में ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पूरा ही आप इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप 36 घंटा यहाँ पे आप रुक सकते हैं, और साथ ही आपको अपनी एक आईडी भी जमा करनी होगी, चाहे कोई भी आईडी हो पर आपको एक आईडी भी जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर डोरमेट्री रूम के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे डोरमेट्री की बुकिंग पहले से आओ और पहले पाओ का यहाँ पर नियम है। आई आर सी टी सी आई की तरफ से आपको ये आपको रूम बुक करना होगा पहले से ही, जब अपना आप टिकट बुक करवाते हो यहाँ काशी आने के लिए, तो उसी टाइम आपको ये विश्रामालय बुक कर लेना होगा। IRCTC की तरफ से ये आपको मिल जाएगा। सर्विस टैक्स यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा ही मेंशन की गई है। 12 घंटे का शुल्क यहाँ पर 660 रुपया है, प्लस GST 79 रुपये GST है, 440 है यहाँ का डबल बेड का। यहाँ पे AC रूम भी मिलेगा आपको और नॉन AC मिलेगा। आइए आपको हम रूम भी दिखाते हैं कि वो रूम कैसे हैं। तो बगल में आना है AC डॉर्मेट्री रूम के लिए, आइए आपको रूम भी थोड़ा दिखाते हैं। साफ सफाई का बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये है डॉर्मेट्री सारे रूम ये देखिए, और रूम हमेशा पहले से ही बुक होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे बनारस में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो रूम आपको पहले से ही बुक करना होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, रूम आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा, बिना रूम बुक कराए आप आएंगे थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर फ्री रहा, खाली रहा तो रूम मिल जाएंगे, अगर खाली नहीं रहा तो रूम आपको नहीं मिलने वाले हैं।
ताकि देख सकते हैं ये सारे ही रूम सारे ही बेड बिल्कुल फुल हो गए हैं। हर बेड के साथ एक आपको यहाँ प्लस अलमारी भी मिल जाएगी, आप उसमें अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और ये एसी रूम है जिसका किराया मात्र 350 रुपये है, यहाँ पे आ करके आप आराम से बुक कर सकते हैं। सर बाहर से आए हुए हैं तो इनसे बातचीत करते हैं कैसा लग रहा है हमको बनारस शहर में आने के बाद और क्या सुविधाएं हमको यहाँ डोरमेट्री रूम में मिल रही हैं। सर तो ठीक ठाक है सर, अभी तो हमको दर्शन के लिए आए जी। रहना ठीक ठाक है, डोरमेट्री के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। वॉशरूम का साफ सुथरा मिल रहा है आपको? वैसे भी ठीक ठाक है, पैसे के हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, सो है, बहुत संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर ठीक ठाक है। थैंक यू सर। देख लीजिए पूरा ही ये आपका डोरमेट्री एकदम फुल भरा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बेड आपको हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए एकदम साफ सुथरा पर चादर बिछी हुई है, आपको ये आपको बेड मिल जाएगा। प्लस मैं भी बोल रही हूँ आपको, यहाँ आपको लगेज रखना हो तो वो अलमारी मिल जाएगी। अगर गंदगी फैलाए पर 500 रुपया जुर्माना तक लग सकता है, तो गंदगी वगैरह ना फैलाएं तो बहुत ध्यान रखना होगा। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। यहाँ देखिए एसी लगा हुआ है, 1, 2, 3 AC, यहाँ पर 3-4 AC लगा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कोई परेशानी ना हो। 350 रुपये में यहाँ का किराया अगर है तो बहुत ठीक है, कुछ महंगा नहीं है। ये भी देख सकते हैं यहाँ भी एक विश्रामालय, मतलब एक रूम यहाँ पर भी है, ये भी एसी रूम है जिसका चार्ज 950 रुपये है। आइए आपको थोड़ा वो भी दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये कितना बड़ा ये रूम है, और ये देख सकते हैं ये भी एक रूम है जिसका किराया 950 रुपये है। और ये कितना बड़ा ये रूम आप देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, दो ड्रेसिंग भी, साथ में दो ड्रेसिंग भी है, एक टेबल भी है, स्टूल वगैरह भी है, सामान को आप यहाँ पर जमा सकते हैं, रख सकते हैं, सोफे वगैरह भी हैं। साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है यहाँ इस होटल्स रूम में। देखिए समय समय पर साफ़ सफाई भी यहाँ पर हो रही है। प्लस यहाँ पर दो आपको अलमारियाँ मिल जाएंगी, है ना, सामान इसमें भी अपना रख सकते हैं आप, और बहुत ही सुरक्षित ये माहौल है। अभी काम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, तो शाम समय का पूरा पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, बिल्कुल भी गंदगी वगैरह ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ एसी भी लगा हुआ है, तो ये एसी रूम का किराया मैंने बताया आपको 950 रुपये है। थोड़ा सा आपको आगे एक दो रूम और भी दिखाते हैं। यहाँ पर जितने भी नीचे फ्लोर में है ना, वो सारे ही आपको एसी वाले ही मिलने वाले हैं। ये सारे ही आपको देख सकते हैं एसी वाले, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, यहाँ भी ये आपका रूम नंबर 4, ये भी एसी का है। सारे यहाँ पर रूम नीचे फ्लोर में एसी है और ऊपर नॉन एसी है। आइए ऊपर चलते हैं आप लोग को। तो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर नीचे दिखाया जहाँ के एसी रूम था, अभी आपको हम ऊपर सेकंड फ्लोर चलते हैं, वहाँ पर नॉन एसी रूम है। आइए वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स हम आज सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ भी कई सारे विश्रामालय यानी कि रेटिंग रूम यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूम नंबर भी सब लिखे हुए हैं। तो ये तो ऊपर का नॉन एसी है, थोड़ा सा इसको भी आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि कैसे है क्या है। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैं आपको नॉन एसी रूम दिखा जिसका चार्ज 500 रुपये है। आई थोड़ा आपको वो भी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रूम है 500 रुपये का चार्ज, डबल बेड ये आपको मिलेगा। प्लस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से इस रूम को भी ले सकते हैं। 500 रुपये में रेलवे स्टेशन के अंदर मिल रहा है तो इससे अच्छा ठीक ठाक है, ओके ओके है। बाकी आप खुद अपना देख लीजिएगा कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आपको डॉर्मेट्री ऊपर का दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का ये वॉशरूम वगैरह भी है, वॉशरूम वगैरह तो सब कुछ साफ सुथरा है, वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रूम भी ठिकी ठाक है। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो ये रूम आप ले सकते हैं, और इसका चार्ज 500 रुपया। हाँ साथ में यहाँ कूलर भी है, फैन भी है, साथ में यहाँ पे कूलर भी है, तो ये रूम भी आप 500 रुपये में ले सकते हैं। और अभी हम आपको नॉन एसी डॉर्मेट्री भी दिखा देते हैं जिसका चार्ज मैंने बताया आपको 250 रुपये लगभग है। तो आइए वो भी आपको दिखा देते हैं कि डॉर्मेट्री नॉन एसी यहाँ पर कैसा आपको मिल जाएगा। का डॉर्मेट्री जिसका चार्ज 250 रुपये है पूरा, ये खूब बहुत बड़ा सा हॉल है। साथ ही यहाँ पर आपको एक लगेज रखने के लिए यहाँ पर आपको अलमारियाँ मिल जाएंगी,
ये आपके बेड के साथ अलमारियाँ मिलने वाली, जिस नंबर का आपका बेड होगा उस नंबर के हिसाब से आपको अलमारियाँ मिलने वाली हैं। आप कहाँ से आए मैम? आप कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर से। कोई दिक्कत यहाँ हो रही है आपको? ना है, कौन दिक्कत हो रही है। कितना किराया इसका है? 165। अच्छा, यानी 165 रुपया मात्र इसका चार्ज है और आप 12 घंटे के लिए है? 8 से 8। अच्छा, 8 से 8 इसका चार्ज है, 12 घंटे के लिए आपको 165 रुपये में आपको ये रूम मिल जाएगा, तो बहुत ही सही है। देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। मैं फिर से बोल देती हूँ आपको, अगर आपको ये डॉर्मेट्री रूम लेना है तो आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी होगी। अगर रूम खाली हुआ तो ही आपको मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा, है ना? तो आपने पैसे बुक किया हुआ था क्या? आपने पैसे ये रूम बुक किया हुआ था ऑनलाइन? तो सभी ने यहाँ से पहले से ही रूम को बुक करके रखा हुआ था। ये देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर लाइन से बेड लगे हुए हैं, चार इधर है चार इधर है, यानी पूरा एक रूम में, एक बड़े हॉल में 25-26 बेड लगे हुए हैं, तो बड़े आराम के साथ यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो आज मैंने आपको दिखाया कैंट स्टेशन के अंदर ही अगर आपको रूम वगैरह लेने हो तो किस रेंज की मिलने वाले हैं और क्या ही सहूलियत वहाँ मिलने वाली है। आप अपना लगेज कहाँ रख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। प्लीज़ अतिथि वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग भी बाहर से आते, थोड़ी सी उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए, थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाए कि वो अगर आते तो परेशान ना हो, अपना आराम सामान जमा करके बड़े थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए और फिर उसके बाद ही घूमें फिरें। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।